अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं पाक फिटनेस क्लब। आज हम लोग आए हैं नाज़ाबाद नंबर 3 में गुर्जर दूध वाले पास है सुनैन फिज़िक्स, जिन्होंने मिस्टर कराची में 3rd पोजीशन हासिल की थी मैन फिज़िक्स के अंदर। ये उनका जिम है और बहुत प्यारा और कुछ मॉडिफाइड मशीनें भी इन्होंने रखी हैं, बहुत ज़बरदस्त इनका जिम है। तो नाज़ाबाद नंबर 3, 2 और 4 में जो भी रहते हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि इनका जिम एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, और उनको एडवाइस दूंगा जो नए लड़के एक्सरसाइज करने की ख्वाहिशमंद रखते हैं वो यहाँ पे आके एक्सरसाइज करें। और ये पर्सनल ट्रेनिंग भी बहुत ज़बरदस्त कराते हैं, बहुत ज़बरदस्त पर्सनल ट्रेनिंग कराते हैं। आए इनका जिम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सुनैन भाई? सब खैरियत है। सबसे पहले सुनैन भाई, आपको क्या बोलते हैं, मुबारक हो, आपने मिस्टर कराची में 3rd पोजीशन हासिल करी। खैर मुबारक, खैर। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने जिम में आने का मौका दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये आपका जिम किस लोकेशन में, हमारे आप क्या बोलते हैं उनको बताएं व्यूअर्स को, ताकि वो आपके जिम में जिसने एडमिशन लेना वो आ सके। यार मेरा जिम नाज़ाबाद 3 नंबर गोल मार्केट में फाइन बेकरी की बेसमेंट में, और आसिम अल्लाह वाला है इसी लाइन में भी। और क्या एडवांस फीस है और क्या मंथली? 500 एडमिशन फीस है और 1000 रुपये मंथली फीस है। 1000 रुपये मंथली फीस, महंगाई के दौर में 1000 रुपये कम नहीं? अभी वैसे इकोनॉमिकल क्राइसिस इतने ज़्यादा होगा, अगर हम फीस बढ़ा देंगे तो लड़के इस फील्ड से हट जाएंगे। नहीं वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जिम का शौक कुछ महंगा ही है। हाँ ये इसमें तो डाइट और हर चीज़ सारी चीज़ें जो भी हैं बहुत महंगी है इसकी। ये महंगा, बहुत महंगा शौक, बहुत महंगा शौक है। लेकिन अगर देखा जाए ना, अमीर को छोड़ के गरीब बंदा ये शौक पूरा कर रहा है। हाँ ऐसा है ये नहीं, सही बात है। और अमीर बहुत तोन लेके घूम रहे हैं, अमीर तोन लेके घूम रहे हैं और गरीब बंदे एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज कर रहा है। सुनैन भाई ने अभी कराची में 3rd पोजीशन हासिल की है। सुनैन भाई, मेरे ने आपका कंपटीशन देखा है, बिल्ड देखी है आपकी, यानी कि इतना 3री पोजीशन आपकी बननी नहीं चाहिए थी, थोड़ी खास आनी चाहिए थी, क्या वजह? यार बनती तो 2nd पोजीशन थी, लेकिन यार यहाँ हर दफ़ा यही होता है पाकिस्तान के अंदर, आप कॉम्पिटिशन खेलोगे ना, अगर आप उनके जिम के लड़कों से, उनके जिम से नहीं खेलोगे तो वो अपने जिम के लड़कों को ऊपर लाते हैं। ये हर दफ़ा होता है, ये मेरे साथ नहीं हुआ और भी लड़कों के साथ हुआ है। खैर है, कब तक हराएंगे इंशाल्लाह। 12 तारीख को मैं दोबारा खेल रहा हूँ कराची दूसरी फेडरेशन से। अच्छा, तो अच्छा ये क्या बोलते हैं कहाँ खेलेंगे, कहाँ पे हो रहा है मुकाबला, ताकि आपके फैंस आपको देखने हैं? 5 स्टार पे डेंटल कॉलेज है ना जी, ADMC, इंशाल्लाह वहाँ पे मैं खेलूंगा 12 तारीख को दोबारा कराची दूसरी फेडरेशन से, इंशाल्लाह वहाँ अच्छा होगा, वहाँ अच्छा मुकाबला होगा। और दूसरी बात कहने का ये है, कॉम्पिटिशन होते हैं, अब ये इतना पैसा लगा के कॉम्पिटिशन खेल लें, क्लास विनर हो या टाइटल हो, ना क्लास विनर को कोई पेमेंट मिलती है, ना कोई इतना खास इनाम मिलता है, ना टाइटल जो टाइटल खेलता है उसको मिलता है, यही बात है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए लगाते हैं और 4-4 महीने की तैयारी करके आते हैं, और हमें सिर्फ 300 रुपए की ट्रॉफी दे दी जाती है एंड के अंदर, और कुछ भी नहीं मिलता, कोई बस एप्रिसिएशन भी नहीं मिलती, बस ये बोलते हैं कि बस एक ट्रॉफी दे देते हैं 300-400 रुपए की, और ना प्रोटीन का डब्बा होता है, ना कुछ होता है, और ना कैश प्राइस, तो बहुत दूर की बात है। कैश प्राइस भी बहुत दूर की बात है। और यहाँ पे पाकिस्तान में ना खास तौर पे बॉडी बिल्डिंग की इतनी ना स्कोप नहीं है, लेकिन लड़का बहुत जुनूनी यहाँ पर है। अभी सुनैन भाई इंटरनेशनल का क्या प्रोग्राम? यार मेरा इंशाल्लाह इरादा अगले साल इंटरनेशनल खेलने का ही है, क्योंकि पाकिस्तान में इसका स्कोप नहीं है। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप यहाँ 2-3 कंपटीशन खेलो और फिर आप प्रो कार्ड लो और यहाँ से बाहर चले जाओ, ये यहाँ स्कोप नहीं है, स्कोप बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग की नहीं है। यहाँ पर काफ़ी लड़का एक्सरसाइज करते हैं, ये इनके जिम में दिखाएं कि कितने लड़के ना, यानी कि काफ़ी लड़के इनकी एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने लड़के को तैयार कर रहे हैं? हाँ मेरा एक लड़का ये है तैमूर, पीछे एक्सरसाइज कर रहा है। सही, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसको मैं खड़ा करूँगा कॉम्पिटिशन में। और अभी 2-3 लड़के और भी हैं जो अभी जिम आए नहीं, उनकी टाइमिंग अलग है, वो भी आएंगे, रात में लेट आते हैं। सही है, सही है। अभी क्या बोलते हैं सुनैन भाई ने कराची कंपटीशन खेला है, 3rd पोजीशन उन्होंने हासिल की है, इनसे हम मिठाई तो खाएंगे नहीं अभी, और ना ये खिलाएंगे, क्योंकि ये खुद डाइट पे चले, डाइट पे हूं मैं, ये डाइट पे चले 12 तारीख। लेकिन हम इनकी पोजिंग लाजमी देखेंगे, सुनैन भाई आपको पोजिंग दिखाएंगे, अपने जिस्म दिखाएंगे, और माशाल्लाह आप इनका जिस्म देखिए कितना बेहतरीन बनाया हो।
अभी आपने देखा सुनैन भाई का जिस्म, माशाल्लाह आपको पोजिंग भी दिखाई है, कितनी आउट क्लास इनकी कंडीशन है। लेकिन वही बात है, सुनैन भाई का कहना बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में इसका स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेहनत करते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बंदे का ना ये जुनून है, पैशन है। क्या बोलते हैं सुनैन भाई, जिम के अलावा आपने कोई और फील्ड क्यों नहीं स्टार्ट किया? यार मैंने जॉब करी थी, मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ माशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे सैलरीज नहीं है, आपको मालूम है यहाँ पे तनख्वाहें नहीं है, तनख्वाहें नहीं है। फिर हम अपने काम में चले गए, अपने जिम खोल लिया तो अल्लाह पाक ने इसमें हाथ पकड़ लिया, और इसका शौक भी था। जब आपको शौक हो किसी चीज़ का तो फिर आप देखते नहीं हो टाइम, पहले उसमें 10 घंटे भी लग रहे हो, 12 घंटे भी लग रहे हो, शौक है, शौक है। अब सुनैन भाई से जानते हैं, जो नए लड़के स्टार्ट करते हैं जिम लेना, अभी वो जज्बात में कोशिश में ना आते हैं, मशीनरी तेज तेज लगाना शुरू कर दिए, वेट आउट क्लास यानी कि शुरू कर दिया, इसके बारे में क्या कहना? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि लड़के जो आते हैं वो समझते हैं कि मशीनें और वेट बांधने से ना बॉडी बनती है। बिल्कुल, बॉडी का जो ताल्लुक है ना बनने का, वो डाइट से। अगर आप डाइट अच्छी रखेंगे और फिर उसके बाद वर्कआउट भी अच्छा करेंगे, वर्कआउट अगर आप 45 मिनट कर रहे हैं बहुत है, बहुत है। जो बात के जो 23 घंटे है ना जो आप घर में गुजार रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है ये पता होना चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज एक माइंड का गेम भी है, एक माइंड गेम है, वो सिर्फ 1 घंटे का गेम है, आप जो जिम में आगे कर रहे हैं। बाकी जो 23 घंटे है ना, आपको उसमें क्या खाना है, क्या पीना है, किससे अवॉइड करना है, और पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है, और कितना सोना है, इसमें सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोते नहीं है रात में, आजकल के लड़के रात में नहीं सोते, रात में नहीं सोते, अब मुझे ही देख रहे हैं मेरी नाइट ड्यूटी है, मैं रात को सोता ही नहीं, ये बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है। नींद नहीं लोगे ना तो आपका मसल नहीं गेन होगा, मसल को रेस्ट चाहिए होता है। और आजकल के जो टाइम चल रहे ना, इसमें पर्सनल ट्रेनर लाजमी है, जैसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, ये जितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर हो, ओलंपिया का भी हो, उसके लिए पर्सनल ट्रेनर लाजमी है, ट्रेनर की बहुत जरूरत है। लेकिन यहाँ पे लड़के ट्रेनर हायर नहीं करते, इसके बारे में क्या कहना? यार वो बस खुद ही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए भाई जब तक आप किसी चीज़ पर पैसा नहीं लगाएंगे ना, आप एक काम, आप पढ़ने जाते हैं अब आप ट्यूशन फीस देते हैं, बिल्कुल, आप कोई भी काम सीखने जाते हैं अब आप फीस देते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन जिम में लड़के आते हैं ना, वो खुद करने की कोशिश करते हैं, हमको कैसे वो देख ले यहाँ पर जे कटलर ने ट्राइसेप लगाया, हम भी जाके आज ट्राइसेप लगा लेंगे, ऐसा नहीं होता, पूरा आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है। अभी हमने भी जो कॉम्पिटिशन खेला है, हम 6 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन हमारा हम भी किसी ट्रेनर के अंदर है, अपने उस्ताद का नाम बता दें, उस्ताद के अंदर है, हैदर भाई ने मुझे तैयार किया है, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन किया माशाल्लाह से, उन्होंने बहुत मदद की है मुझ पर। और हैदर भाई का जिम कहाँ है? और हैदर भाई का जिम गुलशन में इमर्ज जिम के नाम से, और वो अभी भी कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह 12 तारीख को बहुत अच्छा होगा, इंशाल्लाह कॉम्पिटिशन जीत के आएंगे इंशाल्लाह। ये सुनैन भाई का आपने जिम भी देखा है और इनकी कंडीशन भी देखी है, मैं काविज भाई से कहूँगा इनके चेस्ट पर जूम करें आप, इनका चेस्ट मुझे बहुत प्यारा लगा माशाल्लाह, ये मैं कहता हूँ आजकल की 18 साल की लड़की के भी ऐसे चेस्ट नहीं होंगे जैसे सुनैन भाई। लेकिन सुनैन भाई मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह 12 तारीख को इनका कंपटीशन है, वहाँ भी चलेंगे, और इस वीडियो में भी आपको हम इनकी जो अभी क्या बोलते हैं कराची जीता उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छी कंडीशन है, और ये इनके जिम ज्वाइन करें और पर्सनल ट्रेनर हमारे भाई खुद हैं, इनसे ट्रेनिंग लें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा, बॉडी में इफेक्ट्स भी नज़र आएगा। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, पाक फिटनेस क्लब के नाम से हमारा चैनल है, बहुत शुक्रिया सुनैन भाई, थैंक यू।